राजस्थान में राजनीतिक उठापटक के बीच कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हम सभी विधायकों और नेताओं से अपील करते हैं कि वो विधायक दल की बैठक में शामिल हों, कांग्रेस की सरकार को मजबूत करने का काम करें। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कभी कभी वैचारिक मतभेद उत्पन्न होता है, लेकिन इससे अपनी ही सरकार को कमजोर करना ठीक नहीं है। साथियों ने पिछले 24 घंटे में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विधायक साथियों से मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति पर गहन मंत्रणा की है। पिछले 48 घंटे में श्री सचिन पायलट से कांग्रेस नेतृत्व ने अनेकों बार वार्तालाप और चर्चा की है। कांग्रेस के संगठन प्रभारी महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल जी से, कांग्रेस कार्य समिति के कई वरिष्ठ सदस्यों से और कांग्रेस नेतृत्व से, उप मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट से उन्होंने कई बार मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति पर चर्चा भी की है। एक बार फिर सब विधायकों से मंत्रणा करने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से समेत श्री सचिन पायलट के, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ, हम कांग्रेस पार्टी के सभी विधायकों से यह अपील करते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान की जनता की सेवा के लिए निर्वाचित हुई है। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा वाजिब हो सकती है, पर राजस्थान व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा से बड़ा है। राजस्थान की जनता के हित, राजस्थान की तरक्की, राजस्थान में कोरोना से लड़ाई, राजस्थान के जनमानस के तक एक एक कोने तक प्रगति पहुंचाना, हर व्यक्ति से, वो चाहे मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो, विधायक हो या मंत्री हो, उनसे बड़ा है। और इसीलिए आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक जो कुछ देर बाद शुरू होगी, मैं एक बार फिर सब विधायक, मंत्रियों, उप मुख्यमंत्री, सब साथियों से यह अनुरोध करूंगा कि वो इस विधायक दल की बैठक में शामिल हों, कांग्रेस की सरकार को मजबूत करने और राजस्थान की प्रगति में भागीदार बनने के लिए आगे आएं, शामिल हों। यही पार्टी के प्रति, सरकार के प्रति और राजस्थान की बहादुर जनता के प्रति सच्ची सेवा और निष्ठा का परिचय होगा। हम सब हर बात में इकट्ठे हैं। मैं ये मानता हूं कि कभी कभी वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाता है, जो प्रजातांत्रिक प्रणाली में स्वाभाविक है, परंतु वैचारिक मतभेद पैदा होने से चुनी हुई अपनी ही पार्टी की सरकार को कमजोर करना या भारतीय जनता पार्टी को खरीद फरोख्त का मौका देना अनुचित है, गैर वाजिब है। और हर साथी कांग्रेस पार्टी में, वो कितने भी बड़े पद पर हो, कांग्रेस की सरकार में कितने भी बड़े पद पर हो, वो इस राय मशवरा को दोस्ताना अंदाज में लेकर आत्मसात करेंगे। कांग्रेस की चुनी हुई सरकार राजस्थान की जनता की सेवा के लिए है, और अगर कोई मतभेद है तो कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस आलाकमान के सब दरवाजे समेत श्री सचिन पायलट के सब विधायक साथियों के लिए सदैव खुले थे, खुले हैं और सदैव खुले रहेंगे। आइए बैठकर वार्तालाप कीजिए। अगर कोई समस्या है तो श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम उस समस्या का निदान निकाल लेंगे, परंतु व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के चलते कांग्रेस पार्टी की सरकार को अस्थिर करना या राजस्थान के लोगों ने जो 5 साल के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को चुना है, उसको कमजोर करना ना वाजिब है, ना उचित है और ना लोगों की सेवा और निष्ठा के अनुरूप है। इसलिए एक बार फिर मैं सब विधायक मित्रों से यह आग्रह करूंगा, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल हो, अपना पक्ष पार्टी की फोरम पर रखें, ना कि पार्टी की फोरम के बाहर।
और हर चीज का हल निकालने के लिए हम खुले मन से तैयार हैं।